हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट एकेडमी। आज है 8 दिसंबर 2018। 8 दिसंबर 2018 की करंट अफेयर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, भारत सरकार और एशियाई बैंक ADB ने भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वी तट राज्य कौशल में विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए $85 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। एशियाई बैंक ने कहा है कि वह ओडिशा में कौशल विकास सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 8.5 करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराएगा। इसके लिए भुवनेश्वर में एक आधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। तो अब बात आती है एशियाई बैंक एडीपी। एडीपी के बारे में जानिए। तो एडीपी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष ताके निको नाकाओ जो जापान के हैं। कौन है? ताके निको नाकाओ जो जापान के हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एडीपी में सदस्य देशों की संख्या 67 है। अब बात आती है ओडिशा की। कहां हो रहा है? ओडिशा भुवनेश्वर, ओडिशा की कैपिटल में। तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेश श्रीलाल। ये मैप में देखिए आप, ये है ओडिशा, ठीक है? तो ये ओडिशा है आपका मैप में, इंडिया के मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्यारूपों से संन्यास लेने वाले गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर किस नाम से वीडियो जारी करके संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हमारे गौतम गंभीर ने अपने वीडियो का नाम अनबीटन रखा है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्यारूपों से सम्मान संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने वीडियो का नाम अनबीटन रखा है। तो गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, फेसबुक में उन्होंने लगभग 12 मिनट का ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को डेली देखना चाहते हो, डेली आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप पे आ पाएगी और आप डेली इस वीडियो को देख पाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसरो के सबसे वजनी सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे हाल ही में फ्रांस गुयाना से लॉन्च किया गया है? तो इसरो के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम है GSAT-11। भारत के सबसे भारी सैटेलाइट GSAT-11 का प्रातः फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियाने 5 रॉकेट की मदद से सफल प्रक्षेपण किया गया है। GSAT-11 अगली पीढ़ी का हाई थ्रोपुट संचार उपग्रह है। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा सबसे अधिक वजनी उपग्रह GSAT-11 का 5 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना से एरियाने स्पेस से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और इसरो ने बताया है कि इसका वजन 5854 किलोग्राम वजन का है। और अब इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, जो भारत में है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में प्रियंका चोपड़ा, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मासूमदार शाह के बाद चौथी महिला कौन है? तो चौथी महिला है शोभना भारतिया। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मासूमदार शाह, शोभना भारतिया तथा प्रियंका चोपड़ा हैं। अब फोर्ब्स के द्वारा भारत की पावरफुल महिलाओं में 5 भारतीय हैं, जिस 5वीं नंबर में है भारतीय ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर है। तो फोर्ब्स की लिस्ट में
फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाली आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर है, जो 32वीं रैंक हासिल की है। वहीं एचसीएल कारपोरेशन की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा ने 57वीं रैंक हासिल की है। बायोकॉन की फाउंडर और चेयरपर्सन किरण मासूमदार सा का इस लिस्ट में 71वें स्थान पर है। अन्य लोगों में एक मीडिया हाउस की संपादकीय निदेशक और चेयरपर्सन शोभना भारतीय 92 नंबर पे हैं और बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम 97वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में कौन सी महिला पहले स्थान पर रही है? तो पहले स्थान पर है एंजेला मार्केल। फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्ब्स की सूची में एंजेला मार्केल ने फिर किया टॉप। 8 बार से लगातार एंजेला मार्केल टॉप पर आ रही हैं फोर्ब्स की सूची में। विश्व बैंक ने 2021 से 25 के दौरान जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कार्रवाई को लेकर कितने अरब डॉलर के निवेश की एक योजना घोषित की है? तो 200 अरब डॉलर विश्व बैंक ने 2021 से 25 के दौरान जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कार्रवाई को लेकर 200 अरब डॉलर के निवेश की एक योजना घोषित की। यह योजना वर्तमान 5 वर्ष की अवधि की विश्व बैंक की योजना की दोगुनी है। अब बात आती है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इनके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम और सीईओ हैं क्रिस्टालीना जोजीवा। इसको आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा दोस्तों, याद 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। स्टार्ट नेक्स्ट, किस देश के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने 4 दिसंबर 2018 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने 4 दिसंबर 2018 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वर्ष 2003 में कराची में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण करने वाले हफीज ने पिछले 54 मैचों में 3,644 रन बनाए। इनमें 10 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा सेवा आरंभ कराए जाने के लिए पंजीकरण आरंभ किया गया है? तो दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल ने बुधवार नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए एक पंजीकरण शुरू कर दिया है। उस योजना में पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। अब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से जनवरी 2019 से अलग होने और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की घोषणा की है? तो कतर ने
कतर ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से जनवरी 2019 से अलग होने और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की घोषणा की है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एल